हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमें कई दिन से डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर कोई ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताओ जिसकी मदद से हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाए। दोस्तों, मान लीजिए यह पेज है, अगर मुझे इस पेज की जरूरत है यानी स्क्रीनशॉट लेना है, तो मुझे कितनी बार, कम से कम 6 से 7 से 8 बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, उसके बाद में जाके यह पेज कंप्लीट होगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कमाल का तरीका बताएंगे जिस तरीके की मदद से आप एक ही बार में इतने बड़े पेज का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। अगर आप ये जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर देना, नहीं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आप सीख जाएंगे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। और आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और दोस्तों, आपको जाना नीचे कॉमेंट सेक्शन में, एक प्यारा सा कॉमेंट करना है और आपको यह भी बताना है आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग जो फ्री फायर खेलते हैं या तो पबजी खेलते हैं, उनको यूसी या तो डायमंड चाहिए, तो आप हमारे सेकेंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। ओके, तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है। मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, यही एप्लीकेशन है। आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहां से परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो स्क्रॉल का, तो आपको यह वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहां से ओके करना है और आपको एक्सेसिबिलिटी में यह डायरेक्ट लेके जाएगा, तो आपको यहां से परमिशन दे देना है। तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहां पे है, तो हम इसको परमिशन दे देते हैं ताकि एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ गया है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, आपको यहां पर भी परमिशन देना है, तो आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका बटन आ चुका है। अब हम उस वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे हमको स्क्रीनशॉट लेना है। आपको सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाने के बाद में आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, आपका स्क्रीनशॉट धीरे धीरे यह लेता चला जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यह धीरे धीरे लेता चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यह ऑटोमेटिक आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर देगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूज होती है, हम उसको सेव करना चाहते हैं, या कोई कहानी होती है जिसको हम सेव करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से सेव करके कहानी को मतलब पढ़ सकते हैं। बहुत ही कमाल का तरीका है। तो आप देख सकते हैं धीरे 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 स्क्रीनशॉट ले रहा है। दोस्तों, बहुत ही लंबा पेज है यह, आप देख सकते हैं अभी यहां तक हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना लंबा पेज है, कितना लंबा पेज है यार, आप देख सकते हैं। अगर मैं बटन से स्क्रीनशॉट लूंगा, एक एक करके ना 100 बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। ओके, तो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों, आपको यहां पर क्लिक करना है, क्लिक करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेव हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर 3 बटन था, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्क्रीनशॉट है सेव हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका सेव नहीं होता, ओरिजिनल क्वालिटी में सेव नहीं होता ना, तो जो हमने टिक मार्क किया था, आपको टिक मार्क हटा देना है। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने इधर और हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आ चुका है और यह काफी लंबा है। अब दोस्तों, मान लीजिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आप इसको जूम करके बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको थोड़ा भी इसकी क्वालिटी में थोड़ा भी अंतर नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूज होती है, कोई आर्टिकल होता है, या तो कोई कहानी होती है, हम उसको पढ़ना चाहते हैं लेकिन जहां पे जा रहे होते हैं वहां पर इंटरनेट नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप सेव कर लेंगे तो भाई आप आसानी से कहीं पर भी रहेंगे बिना इंटरनेट पढ़ पाएंगे। तो काफी कमाल का तरीका, आप देख सकते हैं आपको क्वालिटी में थोड़ा भी अंतर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको क्वालिटी में थोड़ा भी अंतर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं। और आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।